मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सूजी के बर्गर। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जिस तरह से हम मार्केट से बर्गर खाते हैं, उससे भी ये कई ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप इस तरह से बच्चों को बना के देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कोई आपको बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने सूजी से बनाए हैं, ये इतने ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप इन बर्गर को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इन बर्गर को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली है, सूजी इसमें डाल देंगे। और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर ये दही ले लिया है, दही इसमें डाल देंगे। और आधी चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। तो अभी हम दही और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी, उस कटोरी से मैंने आधा कप दही डाला है, और एक कटोरी हम इसमें पानी डाल देते हैं उसी कटोरी से। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूजी को हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सूजी है, सूजी अभी फूलेगी। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और इसमें हमें ज़रूरत होगी उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। जब तक सूजी फूल रही है, जब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलते हम गैस की तरफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, और इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम आधी चम्मच राई डाल देते हैं, और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है, इसको डाल देंगे। इनको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं, और जीरा राई को अच्छे से हम इसमें तड़का लेते हैं। और जीरा राई अच्छे से तड़क चुके हैं, तो ये मैंने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम एक मिनट के लिए इसमें पका लेते हैं। तो साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट ले लिया है, ये डाल देते हैं। एक बारीक कटी मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, इसको डाल देंगे। अब हम प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रखेंगे इसमें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज को सिर्फ एक दो मिनट तक पकाया है, और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़े से मटर के दाने ले लिए हैं, ये फ्रोजन मटर है, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर बीन्स ले लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गाजर ले लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च ले ली है। सब्जियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें ले सकते हैं, कोई भी सब्जी आप इसमें से हटा सकते हैं। बट मैंने इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अभी हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो कवर करके हम इनको 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। और सब्जियों को पकते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 3 से 4 बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू ले लिए हैं, आलूओं को हम इसमें डाल देते हैं। अब हम आलूओं को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं, और 2 मिनट के लिए इस तरह से आलूओं को हम इसमें भून लेते हैं। तो साथ ही साथ इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो 1 चाय चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच मैंने यहाँ पर गर्म मसाला ले लिया है, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और अच्छे से हम इसको चलाते हुए स्टफिंग को भून लेंगे। ये देखिए, स्टफिंग को मैंने अच्छे से भून लिया है, अच्छे से बन चुकी है स्टफिंग। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं, और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग हमारी बन चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल देते हैं। बर्तन में निकाल दिया है, काफी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसकी हम थोड़ी सी बड़ी टिक्की बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल बर्गर की बनाते हैं। इस तरह से, तो इसी तरह से हम दूसरी टिक्की बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कुछ टिक्कियों को इस तरह से बना लिया है। तो यहाँ पर सूजी को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, सूजी काफी अच्छे से फूल चुकी है, बट ये थोड़ी सी थिक हो गई है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हम इसमें आधी कटोरी से थोड़ा सा कम पानी और डाल देते हैं।
और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल बन गया है। हमें बिल्कुल इस तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है। देखिए काफी स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बना है इसका। तो अब मैंने यहाँ पर ये इनो फ्रूट सॉल्ट ले लिया है, तो इसमें से हम आधा चम्मच डालेंगे। तो आधा चम्मच हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देते हैं। अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप इसकी जगह आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें आप बेकिंग सोडे का यूज भी कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इनो डालते आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, यानी कि इनो का इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखे रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पर तीन इस तरह की बिल्कुल प्लेन कटोरी ले ली है, एक जैसी। आप तीन या चार जितना बनाना चाहते हैं आप उतनी कटोरी ले लें। और इनमें हम एक एक बूंद ऑयल डाल देते हैं और इनको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि इनमें बैटर चिपकेगा नहीं और इडली जो हमारी है आसानी से निकल आएंगी। तो इस तरह से मैंने इनको ग्रीस कर दिया है। जो भी हम बैटर में हमने भी इनो डाली है उसको हम इसमें भर देते हैं। तो हम इसको आधा आधा भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। तो बैटर को मैंने भर दिया है, अब हम इनको थोड़ा सा टैप कर देते हैं ताकि इनमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई में 2 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। फ्रेंड्स ये प्रोसेस आप पहले से ही करके रख लें, नहीं तो क्या होगा कि जो हमने इनो डाली है उसका रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो इडली हमारी अच्छे से नहीं फूलेगी। तो इसमें हम एक स्टैंड लगा देते हैं और अब हम इसमें अपनी कटोरियों को इस तरह से रख देते हैं। तो तीनों कटोरियों को मैंने अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से फूल जाएं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पे ही हमें इनको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर इडली को रखते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकती हैं जो इडली है काफ़ी अच्छे से फूल चुकी हैं। तो अब हम एक टूथपिक लेंगे और इस तरह से इनको स्टर्न करेंगे और ये बाहर निकालेंगे। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी कि अच्छे से पक चुकी हैं। या आप इस तरह से नाइफ से भी इनको चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अभी हम इनको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इडली थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हम इनकी जो किनारियाँ हैं उनको हम इस तरह से एक चाकू की हेल्प से क्लीन कर देते हैं, इससे ये आसानी से निकल आती हैं। ये देखिए इस तरह से हम इनको इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी ही फ्लफी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से भी इडली बना के खा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। देखिए तो इसी तरह से हम ये सारी इनको निकाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से हम बर्गर बन काटते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इन इडलियों को भी कट कर लेंगे और इनको हम इस तरह से रख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको कट करके रख लिया है और जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं उनको भी हम यहीं पर रख लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टमाटो सॉस ले ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इडली लेंगे और उसमें हम थोड़ी सी टमाटो सॉस लगा लेते हैं। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप एक साइड पर ग्रीन चटनी लगा लें, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप दोनों साइड से टमाटो सॉस ही लगाएं। बट मैंने यहाँ पर दोनों साइड से ये टमाटो सॉस ही लगा रही हूँ इस तरह से। और अब हम ये टिक्की को इस पर रख देते हैं और उसको हम अच्छे से ऊपर से बंद कर देते हैं। ये देखिए
बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल बर्गर के जैसा दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है, स्टमक भी हमारी पकी हुई है और इडली भी हमारी काफ़ी अच्छे से पकी हुई है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बट हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो पहले हम इस तरह से सारे बर्गर को हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप किसी को खाने के लिए देंगे तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने सूजी से बनाए हैं। ये बच्चों को बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। आप इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़े से टमाटर प्याज भी कट कर सकते हैं, इस तरह से स्लाइस लगा सकते हैं बिल्कुल बर्गर की तरह। तो ये मैंने यहाँ पर सारे बर्गर को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब। ऑयल को जैसे हम इस पर फैला देते हैं और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इस पर अपने ये बर्गर लगा देते हैं इस तरह से। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और नीचे से अच्छे से हम इसको सेकने देते हैं। इस तरह से सेकने से क्या होता है कि जो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, तो खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये नीचे से हल्का सा क्रिस्पी हो चुका है तो अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी हम इसको इसी तरह से दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो अब हम इसको फिर से पलट देते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी इसका जो कलर है काफ़ी अच्छे से आ गया है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर एक बर्गर को सेक लिया है। अब हम इसको इसमें से बाहर निकाल देते हैं। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ इसको सेकने का। तो सेम प्रोसेस से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं और इसको फैला देते हैं इस पर। अब हम इसमें थोड़े से तिल डाल देते हैं, जिस तरह से जो मार्केट में जो बर्गर मिलता है उस पर थोड़े से तिल लगे हुए होते हैं, तो इस तरह से हम इस पर थोड़े से तिल लगा देते हैं और तिल अच्छे से चटकने लगे हैं तो अब हम इस पर अपना ये बर्गर को रख देते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से दोनों साइड से सेकेंगे। और ये इसको सेकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसको फिर से पलट देते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, इस पर तिल भी दिख रहे हैं। तो अब हम इसको निकाल देते हैं, ये अच्छे से सेक चुका है दोनों साइड से। तो ये मैंने यहाँ पर सारे बर्गर को इस तरह से सेक के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ही टेम्पटिंग लग रहे हैं देखने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से सूजी के बर्गर जरूर बना के देखें, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इनको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।